हेलो दोस्तों, आज हम कैपेसिटर्स के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिस पे हम चार्जेस को स्टोर करते हैं, बट ये बैटरी नहीं है। किसी भी बैटरी में डाले एलिमेंट्स उसे गुड चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम लंबे समय तक इस्तेमाल में ले पाते हैं। तो एक कैपेसिटर इस बैटरी से क्यों अलग है, आइए समझते हैं। कोई भी मेटल प्लेट स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, जिसका मतलब उसमें रखे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम होती है। अगर हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स यानी वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर लगाकर इसमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन फिल करें, तब भी ये प्लेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि अनइवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन खुद को वापस से स्टेबल करने के लिए एक्स्ट्रा भेजे गए इलेक्ट्रॉन्स को वापस फेंक देंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वापस न जाए, तो हमें इसके साथ पैरेलल वे में एक मेटल प्लेट रखनी होगी। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इसे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि दोनों साइड रखी मेटल प्लेट्स का शेप एंड साइज सेम होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि इनमें रखे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम है। और क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को समझना है, तो हम प्रोटॉन्स को कुछ देर के लिए यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर एक मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, तब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के अंदर आने के कारण दूसरी साइड रखी मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे, और इस अनस्टेबल सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड का एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाएगा। एंड ठीक इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी प्लेट से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे, और पल भर में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इस प्लेट से बाहर निकल जाएंगे। और इस समय इस प्लेट पर जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी इस प्लेट पर हो गई है, और ये खाली जगह एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करती है, जिसके कारण इधर के प्लेट को हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट कहते हैं और इसे इक्वली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कहते हैं। वैसे ये पूरा कारनामा कैपेसिटर के चार्जिंग के टाइम होती है। कैपेसिटर के फुली चार्ज होने का मतलब है कि अब वो और ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का अंदर आ पाना तब पॉसिबल है जब दूसरी साइड के प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो बचे ही नहीं, तो ऐसे केस में हम कैपेसिटर को फुली चार्ज मान लेते हैं। वैसे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये इस एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है, यानी इस बैटरी पर, जिसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। फिलहाल आप ये मान लो कि अब और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना इस एक्सटर्नल फोर्स के बस की बात नहीं, क्योंकि जितने वोल्टेज से ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। इस हिस्से को यही रोक के एक बार इस बात को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ रखी बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करने पर लगभग 8 वोल्टेज आ रहा है, और जैसे ही हमने कैपेसिटर को इससे टच करवाया तो पल भर में ही इस कैपेसिटर ने बैटरी के चार्जेस को अपने अंदर स्टोर कर लिया। इसके बाद बैटरी और कैपेसिटर को एक दूसरे से अलग करते ही कैपेसिटर ने इन चार्जेस को अपने अंदर संभाल कर रख लिया, जिसे मल्टीमीटर से चेक करने पर आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कैपेसिटर फुली चार्ज पल भर में ही हो जाता है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस से चलते हैं और आगे की वर्किंग समझते हैं। एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज कर लेने पर अगर हम बैटरी से इलेक्ट्रॉन पर एक्सटर्नल फोर्स देना बंद कर दे, यानी इस कैपेसिटर को बैटरी एंड वायर से रिमूव कर दे, तो ये स्टोर चार्जेस को अपने अंदर संभाल कर रख लेता है।
इन चार्जेस का इस्तेमाल आप किसी भी रेजिस्टिव कंपोनेंट को लगाकर कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही हमने यहाँ एलईडी लगाई तो कैपेसिटर के उस प्लेट में जहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो साइड हायर पोटेंशियल है एंड दूसरी साइड लोअर पोटेंशियल। यानी अब कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा और वोल्टेज यानी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन तेजी से बाहर आएगा और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण बना करंट कनेक्टेड एलईडी को ग्लो करवाएगा। ये एलईडी उतनी ही देर तक ग्लो होगी जितना चार्ज इस कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर किया था। इस हिस्से को भी यही रोक के आइए इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, हमने पहले कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया था और अब जैसे ही इसे रेजिस्टिव कंपोनेंट लाइक एलईडी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, क्योंकि उसके स्टोर चार्जेस को हम एलईडी को ग्लो करवाने में यूज कर रहे हैं। और आप बार बार देख सकते हो कि कैपेसिटर जितनी तेजी से चार्ज हो रहा है उतनी ही तेजी से डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो अब अपने एनिमेशन की तरफ वापस से चलते हैं। एक बार जब कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा तब दोनों प्लेट पर रखे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, मींस अब ये फिर से तैयार है खुद को रिचार्ज करने के लिए। खैर, ये सारी बातें सिर्फ कैपेसिटर को लेके एक इंट्रो पॉइंट है। कैपेसिटर ना होता तो आज कोई भी पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स स्टेबल नहीं बन पाते और रोबोट्स का प्रिसिजन स्केल बहुत अनस्टेबल होता। कैसे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा ही आप सीखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके देन, बाय। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ न्यू एजुकेशनल वीडियोस के साथ।